का माटी पुत्र हैं, झारखंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं और जो झारखंड के लिए खड़ा हुआ है उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। मतलब जेपीकेएसएस का फैन है एकदम बिल्कुल। बीजेपी का समर्थक लोग बोलता है कि यहाँ पे बीजेपी का लहर, आप बोलते हैं जेपीकेएसएस झूठ बोल रहा है, उसका कार्यकर्ता सब झूठ बोलता है। मतलब जेपीकेएसएस का सच्चे में लहर है? हाँ सच्चे में लहर है। आप किसे वोट करिएगा? अब जेपीकेएसएस को वोट करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दा को उठाता नहीं है और जेपीकेएसएस जो है यह क्षेत्रीय मुद्दा को साथ में रख के और काम कर रहा है और कई एक जगह काम किया भी। इसमें जयराम बाबू का जो रांची से प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो है, उन्हीं को जो है सो वोट करेंगे। हमारे साथ मनातू में एक शख्स ऐसे मौजूद हैं जो पहले बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी जो है जेपीकेएसएस का लहर देखकर आदमी जो है मन बना लिए कि अब जेपीकेएसएस के साथ रहकर हम काम करेंगे। दादा किसका समर्थक है आप ये बताइए सबसे पहले। देखिए इससे पहले तो हम लोग शुरू में कांग्रेस को साथ देते थे, उसके बाद में फिर बीजेपी को देना शुरू किए और अब इन साल 2024 में तो हम लोग उनको उतना दिन साथ दे के देख लिए, वो हमारा नीति नियम का बात नहीं करता है और इसलिए हम लोग जो है सो अब अभी जो नया पार्टी आया है जेपीकेएसएस, ये जो है सो हमारा माटी का बात करता है, नीति का बात करता है और इसलिए हम लोग जो है सो इस बार सोचे हैं कि जेपीकेएसएस को ही हम लोग साथ देंगे। मतलब बीजेपी कांग्रेस में जब आप थे तो उस टाइम क्या परिदृश्य था और अब 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या परिदृश्य देख रहे हैं, कुछ अंतर पाते हैं आप? जी हाँ देख रहे हैं। उस समय जो है सो जब तक हम लोग नहीं जानते थे तब तक जैसे बीजेपी जो है सो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का बात उठा के और हमारा जो है सो भावनात्मक एक तरह से गुमराह कर देता था, लेकिन अब समझ में आ गया है हम लोग को कि भाई मंदिर मस्जिद से हम लोग का विकास होने वाला नहीं है। जब तक शिक्षा रोजगार ना मिले तब तक हमारा विकास नहीं होगा। जैसे अपना ही गांव में देखिए, अभी हमारा गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना हो गया है, जमीन अधिग्रहण हो रहा है, रिंग रोड आ गया है। हम लोग बार बार सभी नेताओं से आग्रह किए कि भाई जब हमारा ज़मीन जा रहा है, बगैर ज़मीन अधिग्रहण किए हमारा ज़मीन को कब्जा कर रहा है, तो कम से कम इस गांव के अगल बगल के गांव के बच्चों का जो है सो निःशुल्क नामांकन हो और उनको निःशुल्क शिक्षा मिले। हम लोग MP MLA सबके पास गए, JMM का नेता, BJP का नेता, कांग्रेस का नेता सबके पास गए, लेकिन वे लोग यूनिवर्सिटी आने के बाद में ऐसा हो जाते हैं जैसे कोई सपेरा सांप को जड़ी सुंघाने के बाद में चुपचाप हो जाता है, ठीक उसी तरह से वो लोग हो जाते हैं और हम लोग को आज तक किसी तरह का वो मदद नहीं किए। तब लास्ट में हम लोग एक तरह से कहिए तो उन लोग से परेशान हो के ऐसा लगा हम लोग को कि अब ये पार्टी लोग हम लोग को किसी तरह से साथ नहीं देंगे और तब अब हम लोग जो है सो जेपीकेएसएस को अपना समझ के और इनका जो विचारधारा है, इनका जो नीति है, उसे हम लोग प्रभावित हुए और इस बार हम लोग 2024 में जयराम बाबू का जो रांची से प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो है, उन्हीं को जो है सो वोट करेंगे। मतलब मुद्दा क्या रहेगा, मतलब मुद्दा पे बात जो करने वाले नेता मंत्री थे उनको आपने दे दिया, बड़े बड़े सेंट्रल का मुद्दा होंगे, कोल माइंस का मुद्दा होगा, तमाम चीज़ों का मुद्दा होगा, लेकिन जेपीकेएसएस जो है जनताओं का जनमत तो उनके साथ है, आप तमाम क्षेत्रीय पार्टी कह सकते हैं उनका मुद्दा यहाँ के ही रहेगा, लोकल मुद्दा ही रहेगा, तो लोकल मुद्दा का बात संसद में रखना और जो सेंट्रल पार्टी है उन लोगों का सेंट्रल का मुद्दा होना, मतलब कुछ डिफरेंट बात है क्या? जी हाँ है। अभी देखिए जैसे मेरे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और रिंग रोड है, हम दो ही का उदाहरण अभी ले रहे हैं। अभी जैसे मेरे यहाँ ज़मीन अधिग्रहण का जो काम हो रहा है उस पर 2013 में कानून बना, लेकिन उस कानून को अधिकारी लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं तो इस स्थिति में हमारा बात जो है सो दिल्ली क्या पहुँचाएगा, हमें रेट सही नहीं दे रहा है, नियोजन नहीं दे रहा है, शिक्षा पर हमारा एक तरह से अधिकार है, हमारा घर आंगन में शिक्षण संस्थान बन रहा है और इसमें हम अपना बच्चा को डालना चाहते हैं तो एडमिशन हो नहीं रहा है, तो ये बात हमारा जो है सो नीति बनाने के लिए दिल्ली में क्या बात करेगा, इसलिए हमें ऐसा लगा कि भाई इस समय देवेंद्र बाबू ही हमारा बात को वहाँ रख सकते हैं। इससे पहले जो भी सांसद थे उनसे हम बार बार आग्रह किए, लेकिन वो हमारा बात जो है सो
एक तत्परता जुनून के साथ में वो नहीं रखते हैं, हमारा बात को ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा बात जब सत्र चलता है उस समय बार बार हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारा बात को रखिए, लेकिन वो नहीं रखते हैं। इसलिए हम लोग नाराज होके अब यही हम लोग को लग रहा है कि वो पार्टी जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय मुद्दा को उठाता नहीं है, और JBKSS जो है यह क्षेत्रीय मुद्दा को साथ में रख के और काम कर रहा है और कई एक जगह काम किया भी है। जैसे टाटी सिल्वे क्षेत्र में देवेंद्र बाबू जो है सो कई एक फैक्ट्री में नियोजन करने वाले व्यक्तियों को सही नियमित वेतन नहीं होता था, काम नहीं मिलता था, उस पर अग्रसर हो के और वो जो है सो मदद किए। इस सब से हम लोग प्रभावित हुए और उनको जो है सो सोचे हैं कि भाई हम लोग अब इन्हीं को आगे ले जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होता था आपका? दिनेश महतो। दिनेश दा, किस तरह से माहौल है आप 2024 का लोकसभा चुनाव में? लोकसभा का तो JBKSS का बहुत लहर चल रहा है। लोग बोलते हैं बीजेपी कांग्रेस का लहर है, सबका कुछ लहर नहीं है, हवा में बात करता है बीजेपी कांग्रेस सब। संजय सेठा है उसको भगो, बीजेपी के समर्थक उसको, बीजेपी के समर्थक लोग बोलता है कि यहाँ पे बीजेपी का लहर, आप बोलते हैं JBKSS झूठ बोल रहा है, उसका कार्यकर्ता सब झूठ बोलता है। मतलब JBKSS का सच्चे में लहर है? हाँ सर, सच्चे में लहर है। आप किसे वोट करिएगा? अब JBKSS को वोट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विनोद महतो हुआ। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में तमाम नेता मंत्री का बड़े बड़े मुद्दे होंगे, सेंट्रल के मुद्दे होंगे, आपके मुद्दा क्या है? हमारी मुद्दा जो है झारखंड माटी से है। झारखंड राज्य अलग हुए 23 वर्ष हो गया है कंप्लीट, लेकिन आज झारखंड का जो स्थानीय नीति है, नियोजन नीति है, आज जो मिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके कारण हमारे कचरा खाना बन चुका है झारखंड। कचरा खाना कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी राज्य से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, सबको स्वतंत्र तरीका से समान अधिकार है, जबकि अन्य राज्य में ऐसा नहीं है। आपके सिटिंग सांसद कितना काम की, कितना उसके काम से कितना खुश है बताइए? 1% का नहीं है। खुश नहीं है? जी नहीं। मतलब हमको लग रहा है ना कि JBKSS का लहर है, इसलिए आप लोग बोल रहे हैं कि उन्हें वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं दादा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई ऐसे ही ऐरा गहरा या बिकाऊ आदमी नहीं है। हम लोग हर चीज़ को समझ बूझ के तब जाके आपको बोल रहे हैं कि दूसरा का कोई चांस नहीं है। हमारे देवेंद्र भैया जी हैं जो कि झारखंड माटी के पुत्र हैं और झारखंड के लिए और यहाँ का युवाओं के लिए अपना आवाज़ बुलंद किए हैं। देवेंद्र नाथ महतो और दूसरा नेता मंत्री जो सिटिंग सांसद हो चाहे और भी कोई प्रत्याशी होंगे, क्या अंतर पाते हैं इनमें? जमीन आसमान का फर्क है भैया, इसलिए वो लोग अपना राजनीति करता है, अपना अपना स्टेटस लेवल कैसे ऊंचा करे उसके लिए राजनीति करता है, और हम लोग का JBKSS JAKLM पार्टी जो है माटी का राजनीति करता है, यहाँ का स्थानीय निवासीकरण राजनीति करता है, यहाँ का उत्थान कैसे हो उसका राजनीति करता है, यहाँ का ये जो भीड़ देख रहे हैं अपना, ये लोगों का विकास कैसे हो उसका राजनीति करता है। बोल रहे हैं JBKSS को वोट देंगे, वो तो गुप्त मतदान होता है, बीच में कोई दूसरा दबा दीजिएगा तो? बिल्कुल नहीं भैया, वैसा नहीं है। आपको बोल रहे हैं भैया, ये झारखंड का माटी का पैदा पुत्र हैं, झारखंड माटी के लिए समर्पित भाव से, समर्पित भाव से अगर अपना देश के लिए भगत सिंह 17 वर्ष में अपना बलिदान दे सकता है, तो हम लोग भी झारखंड का माटी पुत्र हैं, झारखंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो झारखंड के लिए खड़ा हुआ है उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। मतलब JBKSS का फैन है आप? एकदम बिल्कुल भैया, एकदम। पता है कि ये जो कट्टर किसी बीजेपी कांग्रेस का हुआ करते थे, अब जो है ये JBKSS के दामन के साथ ये चल रहे हैं। बकायदा देखने लायक बात होगा कि क्या होगा, राजनीति की इस परिदृश्य में क्या चेंज होने का आसार दिख रहा है, ये तो देखने लायक बात होगा। बने रहे, देखते रहिए जोहार।